क्या एक पावर स्टार होने का मतलब यही है कि मतलब सिर्फ पर्दे पे पावर दिखाएं, रियल लाइफ में कोई पावर ना हो, अपनी माँ की ज्योति भाभी को अगर वो अपना लेते हैं या फिर उनको आजाद कर देते हैं फिर उनको पावर स्टार कहे जाते हैं। किस स्तर से आप उनको पावर स्टार कहेंगे आप उनको बताइए। तो क्या वो पावर है या ट्रेंड? ट्रेंड खेसारी भी बोल रही थी कि वो हीरो है, अपना तो जीवन यापन वो कर ले रहे हैं और हम पता होगा कि कोर्ट में जो डिवोर्स का ये हुआ था वही अपने आपको पावर स्टार कह सकते हैं। लोग कहते हैं कि मिलियन तो हम ही देख ले वाला नाम, मतलब 100-150 मिलियन से ऊपर जाता है। तो क्या वो इतने सक्षम नहीं है कि वो 3 लाख रुपया अपनी बीवी के अपने बच्चे मांग रही है? आप उनको आजादी दे दीजिए ना, डिवोर्स दे दीजिए ना, आपके लिए भी सबसे पहले हमारे चैनल आपका स्वागत है। जी बिल्कुल, आपके चैनल के सभी दर्शकों का भी मेरा नमस्कार। मैं जब यहाँ पे आया तो मुझे पता चला कि आप बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और आप जिस होटल में भी हम लोग खड़े हैं इसी में भाई जो है रिसेप्शनिस्ट का भी काम किया करते हैं, ये सच्चाई है? ये आपसे भी जानना चाहेंगे ऑडियंस जो है, क्योंकि हमने तो बता ही चुका है ये सच्चाई है। ठीक है, इधर मैं 2-3 महीने से यहाँ पे काम कर रहा हूँ और इससे पहले हम 2 साल बिहार में जॉब के लिए 2 साल भटके, 2 साल में कुछ नहीं हुआ, तब हम यूपी गए और यूपी गए तो वहाँ पे मेरा पेमेंट 12,000 रुपया था, एक कंपनी में काम कर रहे थे अच्छा खासा वहाँ था, और फिर मैं यहाँ आया तो यहाँ पे पार्ट टाइम अभी ये कर रहे हैं। क्योंकि आज तक आपको पता है कि भोजपुरी में बहुत सारे ये लोग तो अभी मतलब एल्बम और आरा छपरा तक ही सीमित रह के, नहीं 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 आरा छपरा कैसे कह सकते हैं, पवन सिंह जो है पावर स्टार कहे जाते हैं और भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार के सारे कहे जाते हैं। एक मिनट, पवन सिंह पावर स्टार कहे जाते हैं, किस स्तर से आप उनको पावर स्टार कहेंगे आप हमको बताइए पहले। जनता ही बोलती है, मैं क्या बोलूं, जनता बोलती है, देख रही है नायक है, हम क्या बोल सकते हैं। पावर स्टार का मतलब क्या, ट्रेंडिंग स्टार, हम ये चीज मानते हैं थोड़ा सा उनके ऊपर सुटेबल ये चीज है क्योंकि 200 मिलियन। तो क्या वो पावर है या ट्रेंड? ट्रेंड खेसारी भैया का गाना ट्रेंड करता है तो उन पे ये ट्रेंडिंग स्टार सुटेबल है। क्या पवन भैया का वही पावर है कि जातिवाद करवाए क्षेत्र, एक औरत को प्रताड़ित करे, आज उनकी बीवी नहीं नहीं दो कुछ दिन कुछ साल पहले शादी हुई थी ना, आज लाइव आकर इंसाफ की भीख मांग रही है, ये बोल रही थी ना उस दिन देखे तो हमें आंसू आ गए ये चीज देखकर। वो बोल रही थी कि वो हीरो है, अपना तो जीवन यापन वो कर ले रहे हैं और हम एक लड़की है, जब तक वो हमें डिवोर्स नहीं देंगे, जब तक हमको नहीं अपनाएंगे, मेरे पक्ष में कोई फैसला नहीं आता तब तक हम अपने लिए कुछ सोच भी नहीं सकते, हम जॉब भी नहीं कर सकते या फिर कोई दूसरा जगह भी नहीं ले सकते। तो क्या उनका पावर यही है? कम से कम सम्मान नहीं देते, उनको आजादी भी दे दीजिए, डिवोर्स भी दे दीजिए। आपको ये पता होगा कि कोर्ट में जो डिवोर्स का ये हुआ था वही लेकर गए थे और आप आज वही चीज से वो भाग रहे हैं, कोई भी तारीख पे वो नहीं जाते हैं। क्या मतलब उनका वही पावर है कि एक औरत को प्रताड़ित करें, उनको रुलाएं? अरे काम में व्यस्त होंगे इसलिए नहीं जाते होंगे। महाराज एक तारीख में व्यस्त होंगे कि पूरे तारीख में व्यस्त होंगे? आप जाइए ना जाकर उनके वकील से बात कीजिए, पूरे आरा वालों से बात कीजिए, पूरे बलिया वालों से बात कीजिए। ना ना, जब जिस तरीके का बात जवाब कर रहा है तो ट्रेंडिंग स्टार जो खेसारी लाल है अभी उनके ऊपर भी एक विवाद चला हुआ है 18 लाख का, पता होगा जमीन का मैटर है, उसमें भी तारीख में जो वो नहीं जा पाए हैं तो इसमें भी आप वही बात कहेंगे? नहीं, कम से कम ये चीज सोचना चाहिए ना कि अगर लोग हमें ट्रेंडिंग स्टार पावर स्टार कर रहे हैं तो हम कुछ ऐसा करें कि कोई भी एक भी मतलब प्लेटफॉर्म से लोग मेरे ऊपर आरोप नहीं लगाएं। अगर खेसारी भैया के ऊपर ये चीज हो रहा है तो ये भी गलत है, उनको जब तारीख है तो उनको भी जाना चाहिए और यहाँ पे पवन भी अभी ये कर रहे हैं तो उनके साथ सब कुछ अच्छा है। अगर ये चीज अगर ज्योति भाभी को अगर वो अपना लेते हैं या फिर उनको आजाद कर देते हैं फिर उनके ऊपर एक भी कमेंट का नहीं रहेगा और वो बिल्कुल एक जो और लोग हैं ना उनके तरह वो हो जाएंगे। आप चाहते हैं कि मैंने ज्योति सिंह के साथ जो है बढ़िया इंसाफ देखिए वो उनके तरफ से एक चीज और बताते हैं आपको, ज्योति सिंह के द्वारा जो है कोर्ट में एक मांग किया गया 3.5 लाख रुपए पर मंथ का जो अपना जीवन यापन के लिए, तो इस पे भी पवन सिंह का है कि भाई हम कहां से देंगे इतना पैसा। तो वही तो जब अपने आप को पावर स्टार कह सकते हैं, लोग कहते हैं कि मिलियन तो हम ही देख ले बानी, हमारा से पहले लोग मिलियन देख लग कहां, मिलियन का क्या कमाई होता है जो आपको पता है, उनका हर गाना मतलब 100-150 मिलियन से ऊपर जाता है। तो क्या वो इतने सक्षम नहीं है 3 लाख रुपया अपनी बीवी के अपने बच्चों के लिए जीवन यापन के लिए दे सकते हैं? उनका जो भी मतलब अभी भी इनके अलावा बहुत सारे केस हुए हैं, एक मेरे कांटेक्ट में भैया हैं उनका भी डिवोर्स हुआ है, उनका पेमेंट 38,000 रुपया है, वो अपने पेमेंट का 50% अपनी बीवी को देते हैं और 50% वो अपना जीवन यापन करते हैं। तो अगर पवन भी एलिगेशन लगाए थे ना कि हमको डिवोर्स चाहिए, हमको साथ में नहीं रहना है, जब आपको ये चीज चाहिए और अभी वो लोग पहले में वो लोग बोली थी कि मतलब हम डिवोर्स नहीं देंगे साथ में रहेंगे, लेकिन अब देख रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो अगर वो आजादी मांग रही था उनको आजादी दे दीजिए ना, डिवोर्स दे दीजिए ना, आपके लिए भी जगह खुल जाएगा, वो भी एक मतलब किसी की घर की लड़की है बेचारी, वो भी आजाद हो जाएगी, अपने जीवन चलाने के लिए कोई जॉब कर सकती है, पुनर्विवाह कर सकती है, अपना जीवन खुल के जी सकती है। तो क्या एक पावर स्टार होने का मतलब यही है कि मतलब सिर्फ पर्दे पे पावर दिखाएं, रियल लाइफ में कोई पावर ना हो, अपनी मां की खुशी के लिए शादी किए थे, अगर आज वो लड़की रो रही है कुहक रही है तो क्या उनकी मां खुश है, उनके भाई खुश है, उनके भाभी खुश है?
खुश है नहीं ना, यही सब वजह है जिससे कि आपने पवन सिंह और खेसारी लाल का बिल्कुल नहीं बिल्कुल हर एक देखिए एक पैसा और एक ट्रेंड और एक नाम ही काफी नहीं होता है, इंसान को हर चीज देखना पड़ता है। अगर आप हीरो हो तो रियल हीरो बनो ना, पर्दे तक सीमित मत रहो, रियल हीरो बनो आप। देख रहे हैं जिस तरीके से हमारे साथ अंकित भारद्वाज जी हैं और इनका कहना है साफ तौर पे कि पवन सिंह जो है अपनी वाइफ के साथ जिस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे करके ज़रूर बताएं कि इनकी बातों में कहां तक सच्चाई है, क्या कुछ होना चाहिए और क्या इनकी जो पहल है भोजपुरी के लिए वो सही है। कहना चाहिए भोजपुरी में भी ऐसा बात है कि सलमान खान है भोजपुरी के, ये पवन सिंह पहले भी हम जाहिर कर चुके हैं ये बात कि मतलब कोई भी माँ के गर्भ से कोई टैलेंट लेके पैदा नहीं होता है, वो आता है और वो चीज़ को देख कर ही सीखता है। अगर पवन भी अपने आप को भोजपुरी का कहा जाता है पवन सिंह, हम वही बात बता रहे हैं, अगर लोग उन्हें सलमान खान कहते हैं तो कहीं ना कहीं वो सलमान भी ऐसे ही प्रेरणा लिए हैं, तभी तो वो अपने आप को सलमान खान से जोड़ने का मतलब है कि सलमान खान जिस तरीके से छवि अपना रखे हुए उसी से आप लोग कंपैरिजन। सलमान खान तो अभी शादी ही नहीं किए, लेकिन ये एक शादी भी किए, क्या घटना हुआ आपको पता है, इनके द्वारा अक्षरा सिंह काफी ट्रोल हुई, प्रताड़ित हुई, क्या मैटर सामने आया वो चीज भी आप लोग देखें। और अभी जो उनकी जो अपनी माँ की खुशी के लिए वो शादी किए थे उनकी बीवी कहाँ है आप ये भी देखे होंगे। तो इनको भोजपुरी का सलमान कहना ये उचित नहीं है, क्योंकि सलमान खान तो कुंवारे हैं, उनके साथ तो ऐसा मैटर कुछ हुआ नहीं, टैटू बनवा इसीलिए पक्ष ले रहे हैं और इनका विरोध कर रहे हैं। विरोध हम नहीं कर रहे हैं, जब भी अगर रामायण खुलेगा तो राम का क्या किरदार था, रावण का क्या किरदार था, तो वो पवन सिंह को आप यहां पे रावण बोल रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं, उनका चरित्र के ऊपर बोल रहे हैं कि अगर कभी भी भोजपुरी का बात आता है, कभी भी पारिवारिक अगर बात खुलेगा तो उनकी पत्नी का जो मैटर है वो खुलेगा, अगर भोजपुरी का बढ़ावे का बात खुलेगा तो उनका जो क्षेत्रवाद जातिवाद है वो चीज खुलेगा, उनका जो अहंकार है पवन सिंह जातिवाद करते हैं। तो भगवान लेकर आया कौन, आपसे पहले शुक्ला जी हैं, क्या अपने आप को कभी भी टाइटल के आगे शुक्ला लगाए हैं, नहीं लगाए हैं। ये यादव जी हैं, निरहुआ के नाम से प्रसिद्ध है, ये मनोज तिवारी हैं, मनोज तिवारी के नाम से प्रसिद्ध है, क्या ये लोग कभी भी पंडितान शुक्लान या फिर अहिरान अहिरान किए हैं। दिनेश लाल यादव क्या अपने टाइटल के आगे कभी अहिरान लगाए हैं, टुनटुन यादव अहिरान लगाए, खेसारी लोग कहते हैं अहिरान, अभी उनका देवघर का गाना आया है ना कि जल लेके अहिरान चलल बा, पवन सिंह का आया था कि बबुआन हई रे पगली, इस टाइप का बहुत सारा गाना है। गाना कमेंट करके जरूर बताइए, जो भी देखने वाले दर्शक हैं सारे कास्ट के लोग देखते हैं, कहां तक इनको सपोर्ट करना चाहिए जिस तरीके से इन्होंने अपना बात रखा। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा जो भी चैनल पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, दबा करके मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।